हेलो दोस्तों, मेरे चैनल इनके जे क्रिएशंस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही कमाल के घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ जो आपके बहुत ही काम आएंगे। नंबर एक, सेब खाने के फौरन बाद पानी मत पिए, वरना गले का कैंसर हो सकता है। नंबर दो, रात को सोने से पहले आधा चम्मच सूखा धनिया थोड़ी से पानी में भिगो दें और सुबह उठकर इस पानी को छानकर पी लें। इससे पीरियड्स की सारी समस्या दूर होती है और पेट की कब्ज की समस्या भी दूर हो जाती है। नंबर तीन, रात को टाइट कपड़े पहनकर ना सोएं, बल्कि सादा और ढीले कपड़े पहनकर सोएं। टाइट कपड़े पहनकर सोने से पेट दबा हुआ रहता है, इससे कब्ज की समस्या दूर नहीं होती है। नंबर चार, सुबह खाली पेट पानी में थोड़ा सा पुदीना डालकर पीने से चेहरे की झाइयां और दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। नंबर पाँच, दूध में मखाने मिलाकर खाने से आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। नंबर छः, कोई भी सब्जी बनाते समय उसमें थोड़ी सी पीसी हुई काली मिर्च जरूर डालें, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है और पेट को भी स्वस्थ रखती है। नंबर सात, ब्रेड को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। नंबर आठ, प्याज को भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नमी के कारण प्याज खराब हो जाता है। नंबर नौ, सरसों के दाने को पीसकर शहद के साथ चाटने से कफ और खांसी समाप्त हो जाती है। नंबर दस, सूखे आंवले को बारीक पीसकर प्रतिदिन सुबह शाम एक चम्मच दूध या छाछ में मिलाकर पीने से खूनी बवासीर ठीक होती है। नंबर 11, एक चम्मच शहद में चार बूंदे नींबू के रस की डालकर मंजन की तरह दांतों तथा मसूड़ों पर मलने से पायरिया रोग से छुटकारा मिलता है। यह प्रयोग दिन में दो बार करना चाहिए। नंबर 12, चाय आप कभी खाली पेट ना पिएं, वरना एसिडिटी की तकलीफ हो सकती है। चाय के साथ हमेशा बिस्किट या कुछ और चीज जरूर लें। नंबर 13, अक्सर कई लोग सब्जी को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें दही डाल देते हैं, लेकिन ध्यान रखें, अगर आप सब्जी में दही मिला रहे हैं तो दही को सब्जी में मिलाकर पहले उबाल लीजिए, इसके बाद सब्जी में नमक डालकर मिलाएं, क्योंकि उबाल आने से पहले सब्जी में नमक डालने से दही फट जाती है। नंबर 14, अगर आपको दाद हो गई हो तथा जिसमें बहुत खुजली होती है तथा पीड़ा होती है, ऐसा होने पर थोड़े से तुलसी की पत्तियों में एक चम्मच नींबू का रस डालकर पीस लें। यह लेप प्रतिदिन दाद पर लगाने से दाद की परेशानी ठीक हो जाती है। नंबर 15, घी में थोड़ा सा अजवाइन डालकर गरम करने से घी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घट जाती है। नंबर 16, जो व्यक्ति रोज अखरोट खाता है उसको सांस का मर्ज नहीं होता है। नंबर 17, खाया पिया सब कुछ जल्दी हजम करने के लिए हर बाइट को खूब चबाकर निगला करो, इससे आपको जिंदगी भर कब्ज, बदहजमी और पेट की गैस की दिक्कत नहीं होगी। नंबर 18, गुसल खाने या बंद बाथरूम में पेशाब करने से गुर्दे खराब हो जाते हैं, हमेशा अपने वॉशरूम में रोशनदान जरूर रखें ताकि बाहर वाली हवा क्रॉस हो सके। अगर बाथरूम में बिल्कुल भी हवा क्रॉस ना हो तो इंसान को कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 19, अक्सर आप जब कुकर में आलू उबालते हैं तो उबालने के बाद कुकर काले हो जाते हैं और फिर उसे कितना भी रगड़कर साफ करें तो वह एक बार में साफ नहीं होता है। इसके लिए आप आलू उबालते समय उसमें थोड़ा सा नमक और आधा नींबू का टुकड़ा डालकर सीटी लगाएं, इससे कुकर भी काला नहीं पड़ेगा और आलू का छिलका भी आसानी से निकल जाएगा। नंबर 20, यदि आपको पसीना बहुत आता है तथा आप उसकी दुर्गंध से परेशान हैं तो सुबह शाम 3 ग्राम आंवले का पाउडर पानी के साथ
अथवा 20 मिलीलीटर आंवला का रस का सेवन करें। इससे गर्मी तथा पसीने की समस्या से आराम मिलेगा तथा एसिडिटी की समस्या से भी निजात मिलेगी। इसके अलावा अगर आप नहाते समय नहाने वाले पानी में फिटकरी मिलाकर नहाएंगे तो आपके शरीर से दुर्गंध नहीं आएगी। नंबर 21, अजवाइन के चूर्ण का आधा चम्मच दिन में 3 बार खाने से ठंड से आया बुखार उतर जाता है। नंबर 22, मोटापा घटाने के लिए भोजन गेहूं की आटे की जगह जौ के आटे की रोटी का प्रयोग करें। नंबर 23, सब्जियों पर चिपकी गंदगी और बैक्टीरिया साफ करने के लिए फिटकरी के पानी का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 24, सुबह खाली पेट अजवाइन का पानी पीने से पेट की सारी गंदगी साफ हो जाती है। नंबर 25, भुने हुए चने खाने से शरीर में पूरा दिन ताकत बनी रहती है और दिमाग और आंखों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होते हैं। नंबर 26, आटा गूंथते समय उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा देसी घी जरूर मिलाना चाहिए। इससे रोटियां पौष्टिक बनती है और हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। नंबर 27, रोज 1 घंटा हंसने से 400 कैलोरी ऊर्जा की खपत होती है, जिससे मोटापा भी काबू में रहता है। नंबर 28, नाशपाती का सेवन करने से फेफड़ों तथा पाचन तंत्र से संबंधित रोगों में बहुत लाभ होता है, अतः नाशपाती के मौसम में प्रतिदिन इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। नंबर 29, किन्हीं कुछ कारणों से अगर बार बार उल्टी हो रही हो तो सेब के जूस में मिश्री तथा सेंधा नमक मिलाकर सेवन करें, इससे तुरंत आराम मिलेगा। नंबर 30, कुछ लोग हड़बड़ी में या दूसरे शब्दों में बहुत ही तेजी से भोजन करते हैं, ऐसे लोगों में मोटापा बढ़ने का खतरा 3 गुना अधिक होता है। भोजन हमेशा शांत वातावरण में और चबा चबा कर करना चाहिए, ऐसा करने से हम आधी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। नंबर 31, बचपन से अगर शरीर को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो हड्डियां भी कमजोर होगी। बचपन से ही बच्चों को उचित मात्रा में पानी पीने की आदत डालें। नंबर 32, रात को 8 से 10 मुनक्के पानी में भिगोकर रख दें, सुबह इनके बीज निकालकर अच्छे से चबाकर खाएं। इस प्रयोग से शरीर में खून बढ़ने के साथ ही खून भी साफ होता है। नंबर 33, काली मिर्च और मिश्री बराबर मात्रा में मिलाकर पीस लें और प्रतिदिन 1 कप दूध के साथ दिन में 2 बार सेवन करें। इससे दिमाग की कमजोरी दूर होती है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। नंबर 34, जब किसी को चोट लगती है या घाव होता है तो जाहिर सी बात है कि उसे खून भी निकलता है। ऐसी परिस्थितियों में घाव को फिटकरी के पानी से धोना चाहिए और उसके ऊपर फिटकरी का चूर्ण बनाकर लगाना चाहिए। ऐसा करने से चोट से बहने वाला खून बंद हो जाता है तथा राहत मिलती है। नंबर 35, जो बंदा दांतों पर आग की राख लगाता है उसके दांत मोतियों की तरह चमकते हैं। नंबर 36, प्याज का पानी पीने से मैदा साफ हो जाता है। नंबर 37, अजवाइन को गर्म करके चेहरे पर मसलने से चेहरे के दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। नंबर 38, रोजाना सुबह 1 कली लहसुन की खाएं, इससे आपको हाई बीपी के साथ साथ शरीर की कई बीमारियां दूर हो जाएंगी। नंबर 39, रात को सोने से पहले हरहड़ का मुरब्बा खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। नंबर 40, दही जमाने के लिए पहले जिस बर्तन में आप दही जमाना चाहते हैं उस बर्तन में फिटकरी का थोड़ा सा चूर्ण लगा दें, इससे दही गाढ़ा जमता है और खट्टा भी नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद।